इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसे हर दूसरा इंसान इस्तेमाल करता है। आजकल इंटरनेट के बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। वहीं लोगों के जहन में एक चीज तो जरूर आती होगी कि आखिरकार ये इंटरनेट बनाया किसने, कौन है इंटरनेट का मालिक। वहीं आज हम इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिरकार कौन है इंटरनेट का मालिक। आप इंटरनेट के लिए टेलीकॉम कंपनियों को जो पैसा देते हैं वो आखिरकार जाता कहाँ है। आज हमने इन्हीं सवालों का जवाब आप सभी को देंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, इंटरनेट का कोई एक मालिक नहीं है। इंटरनेट की उत्पत्ति और उसमें होने वाली सभी खोजों के लिए देशों की सरकारों से लेकर निजी क्षेत्र, इंजीनियर्स, सिविल सोसाइटी के लोगों के अलावा और भी कई क्षेत्रों का सहयोग होता है। आप अपने मोबाइल में जब फिल्म, सॉन्ग या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये डाटा हजारों किलोमीटर दूर रखे वेबसाइट के सर्वर से आपके मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जानना और भी दिलचस्प है कि ये पहुंचता कैसे है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां वेबसाइट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाती हैं। इसी कनेक्शन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। हम इंटरनेट के लिए जो पैसा आइडिया और एयरटेल जैसी नेशनल कंपनियों को देते हैं, ये नेशनल कंपनियां इंटरनेट के लिए इंटरनेशनल कंपनीज को पैसा देती हैं। ये कंपनियां समंदर में ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से टेक की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।